बच्चों, मैं प्रभात कुमार सिंह, साइंस टीचर आप सबके बीच। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक टॉपिक लेकर आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज फाइबर। अभी हम सब देख पा रहे हैं ये कॉटन का एक क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ है और ये धागा से बना हुआ है, थ्रेड से बना हुआ है। और ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड जो है कॉटन से बनता है और कॉटन में बिल्कुल पतले पतले जो इसके रेशे होते हैं, बिल्कुल पतले जो रेशे हैं जिनको एक साथ मिलाकर थ्रेड बनाया जाता है, तो इन पतले रेशों को फाइबर्स कहा जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर कॉल्ड फाइबर्स। यानी कोई भी थ्रेड है तो वह पतले पतले रेशों से मिलकर बनता है और उन पतले पतले जो रेशे होते हैं उन्हीं को फाइबर्स कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स आर ऑफ द टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ये फाइबर के दो टाइप्स हैं। तो नाउ वी हैव टू नो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। अब हम लोगों को ये जानना है कि नेचुरल फाइबर्स किसे कहते हैं। तो आई हैव कॉटन, जूट एंड कोकोनट। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, ये जो है कॉटन है, कॉटन फाइबर है जो कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। और ये आप सब देख रहे हैं, जैसे ये है जूट, इसको कहते हैं जूट फाइबर्स। ये जूट फाइबर्स का मतलब होता है कि जूट प्लांट से जो फाइबर जूट प्लांट से प्राप्त होते हैं उसे जूट कहते हैं, जूट फाइबर्स कहते हैं। और इस जूट फाइबर से रस्सी भी बनता है और इससे बोरा भी बनता है। ये सब जो है ना जूट प्लांट से प्राप्त होता है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं नेचुरल फाइबर का। ये आप देख रहे हैं कि एक रस्सी है जो कोकोनट फाइबर से बना हुआ है। ये कोकोनट फाइबर से बना हुआ है, ये कोकोनट फाइबर है, कोकोनट फाइबर से ये बना हुआ है और ये रस्सी है, रोप है ये। तो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. वैसे fibers जो plant से और animal से प्राप्त होते हैं उन्हें natural fibers कहते हैं। Example क्या है natural fiber का, तो cotton, jute, कोकोनट फाइबर्स, इट इज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ये मेरे पास देख रहे हैं आप लोग, ये जो है ना कॉटन है और ये कॉटन जो है कॉटन फाइबर से, कॉटन फाइबर है ये, कॉटन प्लांट से उत्पन्न हुआ है, कॉटन प्लांट से उत्पन्न होता है ये कॉटन फाइबर। अभी हम यहाँ पर जूट फाइबर देख पा रहे हैं, ये जूट है, तो जूट फाइबर है। ये जूट फाइबर किससे उत्पन्न हुआ है, जूट प्लांट से। ये जूट प्लांट से बना है जूट फाइबर, जूट का प्लांट होता है और उससे ये फाइबर प्राप्त किया जाता है जो जूट फाइबर कहलाता है। और जूट फाइबर से रस्सी बनते हैं और साथ में इसका बोरा भी बनता है, बैग्स बनता है, बहुत से ऐसे उपयोग है। अब बात आता है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक मीन्स, सिंथेटिक फाइबर मीन्स द फाइबर्स विच आर मेड बाई ह्यूमन बीइंग्स
आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वैसे फाइबर्स जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है, मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया जाता है और केमिकल पदार्थों से मिलकर वह बनता है, इस फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर्स है, एक्रेलिक ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल पदार्थों से बनते हैं और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स का गुण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसका उपयोग के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ देखेंगे। अभी हम बताना चाहेंगे पॉलीमर क्या होता है ना, व्हाट इज पॉलीमर। आप फिगर ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स एक साथ जुटकर एक बड़ा यूनिट बना हुआ है। ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जुटकर एक बड़ा यूनिट बना है। मेनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जुटकर कोई बड़ा यूनिट बनता है तो उसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन जो है ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है पॉलीमर का। उसी तरह रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक्स ये सभी जो हैं, ये पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं, ये पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर भी होता है और सिंथेटिक पॉलीमर भी होता है। तो नेचुरल पॉलीमर है ये कॉटन जो है, ये नेचुरल पॉलीमर है जो सेलुलोज से बना हुआ है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अब देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग नेचुरल फाइबर के बारे में समझे। अब आते हैं नेचुरल फाइबर जो है, जैसे कॉटन है, तो इस कॉटन का क्या यूज है, कॉटन कहाँ यूज होता है। तो कॉटन जो है, कॉटन का सबसे पहले थ्रेड बनाया जाता है और उस थ्रेड से फिर जो है फैब्रिक बनाया जाता है, जो कॉटन क्लॉथ के नाम से जाना जाता है, कॉटन क्लॉथ होता है। और ये कॉटन क्लॉथ शर्ट्स बन सकता है, इसके कुर्ता बनता है, कॉटन के बेडशीट्स बनते हैं, बहुत से ऐसे चीज हैं जो कॉटन के बनते हैं। तो इस तरह कॉटन के बारे में हम लोग समझे। उसी तरह आते हैं जैसे जूट है, ये जूट है, तो आप हम सब जान चुके हैं कि जूट जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो जूट, जूट प्लांट से प्राप्त होता है, ये जूट का प्लांट होता है और उसी जूट के प्लांट से ये जूट प्राप्त किया जाता है। जब ये जूट प्राप्त हो जाता है, जूट फाइबर, तो उसे पतले पतले धागा और रस्सी में भी इसको तैयार किया जाता है। इसे पतला धागा ही बन सकता है और इसे रस्सी भी बनाया जा सकता है। और जूट फाइबर से बोरा बनता है, सेक बनता है, जिसमें बहुत से चीजों को स्टोर किया जाता है, जैसे गेहूं है, मकई है, ये सब चीजें स्टोर होते हैं। जूट का रस्सी बनता है और ये जूट का रस्सी जो होता है, ये वस्तुओं को बांधने के काम में लाया जाता है, जूट का ये। उसी तरह हुआ जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट फाइबर है, तो कोकोनट फाइबर्स का भी रस्सी बनता है और कोकोनट फाइबर से मैट भी बनते हैं। तो इस तरह हम लोग आज जो है नेचुरल फाइबर के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।